जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने शनिवार को राजेंद्र नगर में स्थित कुष्ठ सेवाश्रम के संस्थापक बाबा राघवदास की जयंती के अवसर पर सर में स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण किया तथा कुष्ठ आश्रम का नाम बदलकर बाबा राघवदास कुष्ठ आश्रम कर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कहा कि 12 दिसंबर को बाबा राघवदास की जयंती मनाई जाती है। जिलाधिकारी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा राघवदास ने जनपद में अनेकों अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है और इस कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना बाबा राघवदास ने ही की थी। उन्होंने कहा कि बाबा राघवदास की जयंती के अवसर पर कुष्ठ सेवा आश्रम का नाम बदलकर बाबा राघवदास सेवा आश्रम किया गया, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति अनाथ, मंदबुद्धि, कुष्ठ रोगी भूखा ना रह जाए, जो कि बाबा राघवदास का भी सपना था। यह संस्था उनके सपनों को पूरा करेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव, समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग अधिकारी आंचित तिल्लाहिरी, मानवेंद्र विक्रम सिंह, मोहम्मद सैफ, मनकेश्वर नाथ पांडे, जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह सहित संस्था के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कहा, के अनावरण कार्यक्रम में कुष्ठ सेवाश्रम के अध्यक्ष गोरखपुर के जिलाधिकारी श्री के विजयेंद्र पांडे जी साथ में पधारे हुए, हमारे पुलिस विभाग के एसपी सिटी महोदय, सदर अस्पताल गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम के कुष्ठ सेवाश्रम के सचिव माननीय सुरेश सिंह जी एवं सभी सुधीजनों, दिसंबर का महीना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया, अपने जीवन को दे दिया, और उनमें से एक बाबा राघवदास जी भी हैं, जिनकी आज जन्म तिथि भी है। और इस समय तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में है, आदमी कहीं से कहीं आ जा सकता है, लेकिन आप अगर आप इमेजिन करिए कि 1951 में जब इसकी स्थापना हुई होगी, वह महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति जो जन्मे महाराष्ट्र में और उनकी कर्मभूमि थी पूरी उत्तर प्रदेश। आज वैसे वक्तगण ने बताया, आज वैसे ऐतिहासिक दिन है, 12 दिसंबर है, आज बाबा राघवदास जी का जन्मदिवस है। अब इसी के लिए हम लोग पिछले साल ही प्लान किए थे और यहाँ जो सचिव साहब है काफ़ी मेहनत किए यहाँ का, ताकि इनका मूर्ति का हम लोग कैसे बनाए, उसका पुराने उनका पिक्चर यहाँ था, फिर उसको ढूंढ के निकले थे, फिर यहाँ से जयपुर भेजा गया है, फिर उसके बाद क्ले मॉडल आया है, फिर उसके बाद मॉडल का धीरे धीरे संशोधन करा के यथासंभव कैसे वो रहते थे उसी हिसाब से हम बनाने के लिए प्रयास किए। उम्मीद है उसी हिसाब से आए हुए होंगे, और ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम से ये स्थापना होना भी चाहिए। आज इसलिए जो मीटिंग में निर्णय भी हुआ है, केवल कुष्ठ सेवाश्रम तो किसी को नहीं पता है, बाबा राघवदास जी ने ही बनाया है, ताकि ये ज़मीन इन्हीं ने दान से लेते हुए बनाया है। उस समय में ये व्यक्ति इतने जो दूरदर्शी था, उनको पता था इसी इलाका में इसी के लिए अभाव था, एंड उस समय में ये जो कुछ लोग कितने तो लोग थे, बहुत छुआछूत चलता था, कोई घर का अंदर तो भर्ती नहीं करते थे, जो कितने भी मतलब प्रिय हो, कितने भी करीबी हो, उनका तो कोई जाने की जगह नहीं। इनने तो आप देखेंगे 1951 में स्थापना किए थे, अकेले ये नहीं है, तमाम स्थापना में और एक है ही, और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इनका इतिहास अब तो गैजेटियर में देखने के लिए मिलेगा, गोरखपुर का नया गैजेटियर हम बना रहे हैं, उस पर इनका भूमिका पूरा दर्शाएंगे, ताकि नया आने वाले पीढ़ी को नहीं पता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज इन्हीं के नाम से बना हुआ, वो भी नहीं पता है बहुत लोग का,
उनको नहीं पता तो केवल गोरखपुर का नहीं, इनका अनेक क्षेत्र में उनका छाप छोड़ रखे हैं। हाँ, और यहाँ तो अंग्रेज ने डरते थे इसी महान व्यक्ति से, वो तो इनका पूरा किताब में लिख के रहता है, कहीं भी जाते हैं तो अंग्रेज ने पीछे हट जाते हैं वो अपने जगह से, क्योंकि इतने बड़ा व्यक्ति थे। और आज़ादी पाने के बाद उनने जो अपने पूरे जीवन यहाँ का जो कुछ लोग और असहाय लोग गरीब लोग के साथ बिताने के लिए ये स्थापना किए, और ये देखें ये जगह इतने प्राइमरी जगह है, केवल एक नहीं है, अनेक जगह इनका था उसी पे। ये इसलिए स्वरूप को भी हम लोग ऐसे मेंटेन कराना चाहते हैं, और वैसे जिंदा रहते थे, उनका सपना क्या वो कर सकते थे, हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा कराने के लिए, उसका प्रयास है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी साथ दें ताकि ये महान व्यक्ति हम लोग के साथ में रहे, बीच में रहे, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, चेहरे पर ही पूरा वही करुण भाव ही है। अभी इसमें कवर लगवाइए ऊपर से, लाइट को दो दो बार दो 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 पीछे से स्टैंड देखो, हां सही पीछे से नगर निगम मोहल्ले के सामने जो है क्या पीछे से स्टैंड दे दे, बोलता बोल कर रहा है, बोले मन में ये सब है थोड़ा अभी हाँ बोले जाते हैं आ जाइए राजे जी। आज 12 दिसंबर है, बाबा राघवदास जी का जन्म दिवस है, और इनने इसी गोरखपुर जनपद में क्या क्या दिए हैं जनता को याद करना चाहिए था। यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हम बैठे हैं यहाँ इसी जगह, इसके अलावा तमाम स्थापना उन्हीं के जरिए से कराया गया है। और वैसे महान व्यक्ति का आज याद कराने के लिए हम लोग कुछ सेवाश्रम में उनका मूर्ति का अनावरण किए थे, और यहाँ और आगे भी मंथन किए थे ताकि इसका नाम केवल कुछ सेवाश्रम चलता था, उसका नाम हम परिवर्तन कराते हुए आज से प्रपोजल भेज रहे हैं हम, पंडित बाबा राघवदास जी के नाम से रहेगा ये सेवाश्रम के शब्द हम जोड़े हैं, ताकि पहले कुष्ठ सेवाश्रम था उसको कुष्ठ का शब्द हटा करके, ये केवल कुष्ठ लोग का नहीं है, इस पे बुज़ुर्ग लोग, मानसिक विकसित लोग, अनाथ लोग, और भी जो भूखे जो भी गोरखपुर में है उन्हीं का सेवा के लिए अर्पित है। इस पे हमारा साथ पूरा टीम था, पूरा मेंबर थे, सब लोग हम मंथन किए थे, एक दो घंटे चर्चा किए थे उसका आगे कैसे इसी स्थापना का बढ़ाया जाएगा। और गोरखपुर में हम चाहते हैं कोई भूखे ना रह जाएँ, और ऐसे कोई अनाथ असहाय ना रह जाएं, उन लोग का ऐसे परिवार के रूप से ये संस्था काम करेगी। बाबा राघवदास जी का सपना है वो पूरा कराने में हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं बाबा राघवदास जी जिंदा रहते हुए जो जो काम करने चाहते थे वो जाने के बाद भी हम लोग उसको आगे भी बढ़ाएंगे, बढ़ा के जाएंगे। देखिए एक व्यक्तित्व ऐसे होना चाहिए था ताकि आदमी मरने के बाद भी उनको याद रहें, याद करें जनता, ऐसे इनने छाप छोड़ा है गोरखपुर में। आपका अभी इसी पीढ़ी नहीं, आगे आने वाले पीढ़ी भी याद रखेगा, ताकि उन्हें इतने सेवा करके गए हैं, उन्हीं के नाम से अब जानते हैं यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम से है, और उसके बाद ये भी स्थापना है, अनेक स्थापना है, और उस समय में उन्हें फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, यानी आज़ादी के लिए उन्हें लड़े हैं अंग्रेज़ी के साथ, अंग्रेज़ी के खिलाफ लड़े थे, इसलिए तो हम लोग आज़ाद भी पाए हैं। हम लोग उनसे प्रेरणा लेना चाहिए था, ऐसे आदमी कैसे, उनका परिवार नहीं था, कोई भी नहीं थे, वैसे रहने वाले भी महाराष्ट्र के थे, वो यहाँ का नहीं था, उनका पूरे भारत एक था, जनता सब उनका भाई लोग थे, ऐसे भाईचारा के साथ वो अपने जीवन बिताएं, उसी का परिणाम है ये गोरखपुर में उनने जो सेवा दिए हैं इतने साल के बाद भी हम लोग याद रखें उनका।